हेलो, प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये हमने प्रूव करना है। अब आप इनको एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके नहीं करेंगे, नोट कर ले मेरी बात। कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जैसे हम सेट ए मान लिया, सेट बी मान लिया, वो लेके नहीं करेंगे। इसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज का मतलब एक्स एलिमेंट मान के करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए कोई भी सेट है, ये ए माइनस बी, ये दो सेट नहीं है, ए डिफरेंस बी। अब एक सेट आई ऑपरेशन लगने के बाद, ये एक सेट है। मान लो ये सारा सी है, सी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ये कैसे होगा? ठीक है, मैं आपको ये मीनिंग बताता हूँ। ए इज़ सबसेट ऑफ बी, क्या है ये तो आपको पता है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो देखिए, ए के सारे एलिमेंट है 1 2 ले लिया मैंने, और बी में ले लिया 1 2, और यहाँ 4 ले लिया। कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 आना जरूरी है, बाकी आगे 5 6 कुछ भी, 1 3। अब देखिए, 1 है, बिलोंग करता है सेट ए से, इम्प्लाइज 1। तो ये हमें ये भी बताता है कि 1 आल्सो बिलोंग टू सेट बी। फिर 2 बिलोंग टू सेट ए, इसको ध्यान से देखें, इम्प्लाइज ये बताता है 2 आल्सो बिलोंग टू सेट बी। तो ये बात मैंने 2 लाइनों में बताई आपको, यानी कि 1 बिलोंग करता है ए से, तो 1 बी से भी करता है, 2 करता है ए से, तो वो 2 सेट बी से भी करता है। इसलिए ए के सारे एलिमेंट है जो बी में हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये बात इससे चला, वर्ड में न कह करके मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया, 1 बिलोंग टू सेट ए, 2 बिलोंग टू सेट ए, देयर फोर 1 एंड 2 बिलोंग टू सेट बी, देयर फोर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में पाए गए। तो इसी लाइन को हम यूं भी कह सकते थे, अगर x बिलोंग टू सेट ए इम्प्लाइज x आल्सो बिलोंग टू सेट बी। x का मतलब 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, जो a से बिलोंग करता है वही x, यानी कि वही 1 2 b से बिलोंग करता है, इसलिए a इज़ द सबसेट ऑफ b। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप इसको याद रखें, ये दोनों, अगर a b का सबसेट है तो x a से बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज करेगा x आल्सो बिलोंग टू b। और अगर ये दिया हो एक्स बिलोंग टू ए, और ये हमें पता चले कि एक्स आल्सो बिलोंग टू बी, तो इसका मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए की लाइन में हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये है, इसका एलिमेंट है जो जो इससे बिलोंग करता है वो ए से बिलोंग करता है, इसलिए इसके सारे एलिमेंट है ए सेट में पाए जाते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट है। यूँ करना होता है, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं, इसलिए हम सपोज करेंगे, लेट ये करेंगे, एक्स बी एनी अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी मतलब कोई भी, इस क्वेश्चन के लिए एक्स बी एनी अर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ये इसका कोई अर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अर्बिट्रेरी आपने लिखना, लिख दो, नहीं तो एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, जब इसका एलिमेंट है तो एक्स है जो बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, इसका मीनिंग ये होता है एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स इज़ द मेंबर ऑफ ए माइनस बी। और हमें पता है एक्स माइनस ए डिफरेंस बी का मेंबर हो, तो क्या मतलब है, इसका मीनिंग होता है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से बिलोंग करता है, और डिफरेंस बी जो दिया है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए से तो बिलोंग करता है, बी से नहीं करता है, बस ठीक है, बी से नहीं करता तो उसको छोड़ दे दिए, छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए। तब आप यहाँ से चले थे, ये नोट करें, यानी कि ये बात यूं थी, एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी इम्प्लाइज एक्स आल्सो बिलोंग्स टू ए, तो ये वही हो गया ना, एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब यहाँ ए माइनस बी है, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि यहाँ बी है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ। देयर फोर ए डिफरेंस बी इज द सबसेट ऑफ ए, हेंस प्रूव। समझ गए? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिंग टू सबसेट। जब आप इस बात को समझेंगे तो आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके।